एक न्यूज़ आई थी जलगांव शहर के पत्र विभिन्न समाज पत्रों में कि आयुष प्रसाद जिलाधिकारी आयुष प्रसाद इन्हें ना 15 करोड़ 100 जो जीएमसी है मतलब है ना वैद्यकीय महाविद्यालय जो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जलगांव में 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन लगाने के लिए मंजूरी दी हुई है 15 करोड़ रुपये की। जब मैंने देखा कि 15 करोड़ है तो मैंने सर्च है ना गूगल पर सर्च किया कि 128 स्लाइस की मशीन कितने सिटी स्कैन मशीन कितने की आती है, तो मुझे कोई भी मशीन वहाँ पे 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं दिखाई दी। 1.5 करोड़ 1.20 करोड़ 1.35 करोड़ ऐसा दिखाई दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं 10 गलती से ज़्यादा तो नहीं लग गया हुआ है। तो इसके लिए मैंने ना माहिती अधिकार में ना 6 तारीख को माहिती अधिकार में माहिती जिला शासकीय ये है उनसे ना मैंने वैद्य महाविद्यालय से माहिती मांगी, जिसका जवाब मुझे 2-3 दिन पहले अभी जवाब आया हुआ है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की मतलब है ना टर्न की प्रोजेक्ट सिटी स्कैन मशीन 128 का इन्होंने जो है मशीन परचेज है ना जो है जीएसटी और सीएसटी सहित सब करके 14.99 करोड़ और है ना 87,000 के लगभग है ना ये है मुझे है ना 22-25 हज़ार रुपये कम में ये है ना पूरे 15 करोड़ रुपये हो जाते हैं। 15 करोड़ में मशीन परचेस की जा रही है। टर्न की का मतलब जब मैंने जाना तो भाई पूरा इंस्टॉलेशन करके पूरा है ना इस करके ये सब कुछ करके है ना 15 करोड़ में ये बताया है। जब मैंने ना इसके ना और अधिक जानकारी देखी तो एस्टीमेट मैंने इसका एस्टीमेट चेक किया हुआ है तो माहिती अधिकार में ये इमेज मल्टीमीडिया करके है ना ये है ना ये दिया हुआ है इनका। जब मैंने जीएसटी नंबर जो है ये ऊपर जीएसटी नंबर दिया हुआ है तो ये जीएसटी नंबर जब मैंने ना चेक किया अपने जीएसटी के टूल के ऊपर ऑनलाइन तो ये मुझे फर्जी लगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद में मैं ना जीएसटी जो स्टेट जीएसटी ऑफिस है उसके अंदर गया और वहाँ के ऑफिसर से मैंने ना रिक्वेस्ट की कि सर मुझे नंबर है ना वेरीफिकेशन करके दो कि बताओ कि ओरिजिनल है क्या, मेरे से गलती हो रही क्या। तो उन्होंने भी बताया कि ये नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, मुझे फेक नंबर है ना, फेक नंबर है ना उनका जो है बोला जा सकता है कि फेक है नंबर और वो फेक नंबर का एस्टीमेट के आधार पर 15 करोड़ का है ना मंजूर करते हैं जिलाधिकारी। जिलाधिकारी ने क्या कोई भी शानिशा नहीं की कि ये सही है कि गलत है 15 करोड़ और है ना आप लोग है ना आप जो देख रहे हैं आपके दर्शक जो भी देख रहे हैं वो भी है ना सिर्फ है ना 128 सिटी स्कैन मशीन है ना एक्सरसाइज सिटी स्कैन मशीन सर्च करें गूगल पे तो कोई भी मशीन है ना आपको ना आप देखेंगे कि 2 करोड़ से 1.5 करोड़ के अंदर ही है। इसके बाद में मैंने ना इंडिया मार्ट साइड है उसके ऊपर सीमेंस कंपनी का रिक्वायरमेंट डाली कि मुझे एक परचेस करना है कितने में आएंगी, तो उनका मुझे कॉल आया। कॉल आने के बाद में उन्होंने बोला कि सबसे अच्छी कंपनी सीमेंस आती है और सीमेंस का 1.20 करोड़ रुपए में 1.2 में आपको है ना ये मशीन नया इंस्टॉलेशन करके और है ना विथ वारंटी न्यू मशीन आपको इंस्टॉलेशन करके मिलेगा। मैंने उनके है ना कोटेशन मांगा कि मुझे कोटेशन दो, उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे कोटेशन भी भेजा हुआ है। और जब है ना ऐसा होते हुए अगर हम मानते हैं कि कुछ आप एसेसरीज लगा रहे हो तो 1.20 करोड़ की नहीं अपन 1.5 करोड़ की मशीन पकड़ते और 1.5 करोड़ का वापस से अपन ये पकड़ लेते हैं कि आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी उसका इंस्टॉलेशन किया 1 साल का आपने ना उसका इंश्योरेंस लिया जो भी है ना आपके सर्विसेज ली तो भी 3 करोड़ होता है तो ये 15 करोड़ मंजूर हो रहा हुआ है तो ये किसके गले में जाया। आयुष प्रसाद जी ये जवाब देना चाहिए कि आपको इसका कितना मिल रहा है क्या, मेरा आपसे प्रश्न है आयुष प्रसाद जिलाधिकारी से कि आपको कितना मिल रहा है इसके अंदर, आपने मंजूर किया हुआ है आप आईएएस है और आईएएस होने के बाद में आपने क्या चेक करके मंजूरी दी, मंजे आपने आग मुन के मंजूरी दी है क्या, अगर नहीं तो फिर आपने क्या देखा। और शासन का ये पैसा खर्च करने की मंजूरी देने के बाद में अभी तक के ना जो है मुझे बताया जा रहा है कि हमने अभी तक ये परचेस नहीं किया हुआ है, हम है ना अभी ये ना जो है पोर्टल पे डालेंगे परचेस करेंगे जब आप ही उसका प्राइस है ना 10-12 करोड़ डालेंगे तो सामने वाला कितना कम करेगा प्रश्न ये है। और कितना अगर कम नहीं भी किया और उतने में ही लिया तो फिर बाकी का पैसा किसके इसमें जाएगा,
कौन कौन इसमें शामिल है, इसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को मेल करके, माननीय मुख्यमंत्री, उसके बाद में मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य और ना विभागीय आयुक्त गेडाम साहब, उनको मैंने मेल किया हुआ है अभी, और मेल करके उनको इंक्वायरी की, आयुष प्रसाद जो है कलेक्टर, उनकी इंक्वायरी की मांगनी की भी, और संबंधित अधिकारियों की भी इंक्वायरी की मांगनी की, अगर दोषी होते हैं वो तो उनको शासन की सेवा से बर्ताव करने की मेरी मांगनी है। वीडियो आवडला असेल कृपया लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा, YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करून त्या शेजारचं घंटीचं बटन दाबा, म्हणजे अशाच प्रकारचे पूर्ण व्हिडिओज आपल्याला सतत मिळत राहतील।